रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानवी के माता पिता उसकी शादी प्रिंस नाम के लड़के से करवा देती है और वो शादी के बाद अपने ससुराल में पहला कदम रखती है, जहाँ उसकी ननद मधु अपने भैया भाभी का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुलाती है। आइए आइए भाभी, अंदर आइए, मैं आपको सबके कमरे दिखाती हूँ। जानवी को मधु सारे कमरे दिखा देती है और जानवी इतना बड़ा घर देखकर मन में बोलती है, इतना बड़ा घर कितना आलीशान लग रहा है। कुछ दिनों तक तो जानवी के साथ मिलकर मधु काम करवाती है, लेकिन फिर वो सोचती है, अब तो भाभी आ गई है, अब तो सारा काम करना उनकी जिम्मेदारी है, फाइनली मैं फ्री हो जाऊंगी। जानवी बहुत ही भोली थी और मधु ये सोचकर उसका फायदा उठाने लग जाती है और एक दिन उससे बोलती है, अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। भाभी मेरे कमरे में जरा झाड़ू लगा देना। अभी लगा देती हूँ दीदी। जल्दी, और फिर पोछा भी लगा देना, और भाभी फैन ऑफ कर दो, ठंड लग रही है मुझे, कितनी ठंड है। जानवी मधु के कमरे से काम करके चली जाती है और मधु अपने कमरे में बैठी बस खाती पीती रहती और ऑर्डर दिया करती। कुछ दिनों तक तो मधु अपना छोटा मोटा काम खुद कर लिया करती, लेकिन अब उसको जानवी की आदत हो गई थी, जिसके कारण या तो वो पूरा दिन टीवी देखती या फिर कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनती रहती। जानवी सुबह रोज अपने पति और ससुर को ऑफिस भेजकर हर रोज की तरह मधु के कमरे में सफाई करने आती है। ऐसे ही जानवी सफाई कर रही होती है, तभी मधु अपनी भाभी को बोलती है, भाभी कहाँ हो? हाँ बोलो दीदी, क्या हुआ? भाभी बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा दो और आप भी खा लो मेरे साथ। अभी लाती हूँ। भाभी आते हुए पानी लेते आना। पानी का ग्लास भी खुद उठाकर वो नहीं पीती थी और उसकी काम चोरी ने हद मचा दी थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगा और रात हो गई। प्रिंस और उसके पापा अपने ऑफिस से घर आते हैं और उनके घर आते ही मधु रोज उनके सामने काम करने का नाटक किया करती। ऐसे ही एक दिन जानवी कपड़े धोने लगती है और सारे कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन तभी प्रिंस जल्दी ही घर ऑफिस से आ जाता है और अपने भाई को देखकर मधु जबरदस्ती अपनी भाभी के साथ कपड़े धुलवाने लगती है। कुछ देर बाद जानवी रसोई में जाकर रात का खाना बनाकर रख देती है और जब सब एक साथ टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, तभी मधु सबके लिए खाना लगा देती है और प्रिंस खाना खाते हुए बोलता है, अरे खाना किसने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, मजा आ गया। मैंने बनाया है भाई। हाँ खाना सच में बढ़िया बनाया है मधु, लेकिन तू कब से इतना बढ़िया खाना बनाने लग गई? पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा मेरा। हाँ क्या ग्रेवी है पनीर की, मजा आ गया। बेचारी जानवी सब कुछ देखती हुई भी कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही एक दिन मधु के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। सही मुहूर्त देखकर कुछ दिनों में उस लड़के से उसकी सगाई हो जाती है। समय गुजरता है, जानवी रोज की तरह काम करती रहती है और मधु अपने भाई और पापा के घर आने के टाइम पर उनके सामने काम करने लगती है। लेकिन मधु को जब हर वक्त काम करते हुए देखकर प्रिंस कमरे में जाकर जानवी से बोलता है, मेरी बहन को नौकरानी बना दिया तुमने जब से आई हो, मैंने तुम्हें काम करते हुए नहीं देखा, वही काम करती नजर आती है, तुम यहाँ आराम करने के लिए आई हो क्या? चुप रहिए आप, अगर आपको लगता है कि मधु ही सारा काम करती है तो सच मैं बताती हूँ आपको, आराम मैं नहीं तुम्हारी कामचोर बहन करती है। मधु सबसे बड़ी कामचोर है और आपके और बाबूजी के आते ही काम करने का नाटक करने लगती है, खाना मैं बनाती हूँ और नाम ये अपना लगाती है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतने दिनों तक ये बात छुपा कर क्यों रखी? मैंने सोचा शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप समझ जाएगी, कम से कम अपने घर तो आराम कर ले, शादी के बाद तो उसे काम करना ही है। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। रुकिए, कोई बात नहीं, कुछ मत बोलो मधु से, वैसे भी कुछ दिनों बाद उसे अपने ससुराल जाना ही है। दिन गुजरने लगते हैं और कुछ दिनों बाद मधु की शादी उसके मंगेतर हिमांशु से हो जाती है और विदाई के समय प्रिंस मधु से बोलता है, मधु ससुराल में हमें कोई बुराई मत दिलवाना, सारा काम जिम्मेदारी से करना, नहीं तो सारी बात माँ पर आएगी कि इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया होगा, शिकायत का मौका नहीं देना किसी को। शादी के बाद मधु अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास आरती की थाली लेकर
उसका स्वागत करती है। दिन गुजरते जाते हैं। मधु की मेहंदी उतरने के बाद उसकी सास माला उससे बोलती है, बेटा आज से तुम काम कर सकती हो। ओहो, अब ये सारा काम करना पड़ेगा। हे भगवान। इतना सारा काम देखकर मधु घबरा जाती है। मधु अपने भाई की बात को याद करके जैसे तैसे काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में गंदे बर्तनों को देखकर वो गुस्से में बोलती है, मेरे ऊपर तो बर्तनों का ढेर लगा रखा है और अभी कपड़ों का भी पहाड़ बना हुआ है। पहले कपड़े धोऊं के बर्तन धोऊं? एक काम करती हूँ, पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी और शाम को सारे बर्तन धो दूंगी। मधु कपड़े धोकर सुखा कर रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाकर डालकर अपनी सास और अपने लिए ले आती है। दोनों खाना खाकर बर्तन वहीं छोड़कर अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम को जब माला बर्तन उठाकर रसोई में रखने जाती है तो वो बर्तनों का ढेर देखकर बोलती है, ये क्या, इसने सुबह के बर्तन अभी तक नहीं धोए? माला मधु के कमरे में जाकर उसे उठाती है, लेकिन मधु गहरी नींद में आराम से सो रही होती है। लेकिन माला उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोलती है, बहू उठ, बहू, ए मधु, कितनी गहरी नींद में सो रही है, जैसे काफी सालों से नींद पूरी ना हुई हो, अभी रुक तू। कौन है, कौन है? मम्मी जी आप हैं? आपने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? उठ नहीं रही थी इसलिए। तो मुझे बोल कर हिला कर भी तो उठा सकती थी ना। उठाया था लेकिन तू तो फिर भी नहीं उठी। फालतू की बातें छोड़ और ये बता कि अभी तक बर्तन क्यों नहीं धोए? अपनी काम चोरी अपने घर पर दिखाइयो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, जा जाकर बर्तन दो। मधु को अपने भाई की बात याद आती है और वो बिना बहस किए अपना काम करने चली जाती है। बर्तन धोते हुए वो अपनी भाभी को मन में याद करके बोलती है, भाभी के साथ मिलकर अगर मैंने काम करवाया होता तो आज मैं इतना आलसी ना होती। अब मैं अपना आलस दूर करूंगी और सारे काम करूंगी, किसी को बोलने का कोई मौका नहीं दूंगी। मधु घर का सारा काम करने लगती है और वो काम चोरी छोड़कर मेहनती कामकाजी बहू बन जाती है। ऐसे ही एक दिन शाम होने पर मधु अपनी भाभी को कॉल करती है और उसकी भाभी फोन उठाकर बोलती है, आज कैसे फोन किया आपने? भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज तक घर के सारे काम आपने अकेले किए और मैं बस सबके सामने अपना नाम लेती रही। कोई बात नहीं, अब बस तुम अपने परिवार के बारे में सोचो, बाकी पुरानी बातें भूल जाओ। भाभी क्या आप मेरे भैया से बात करवा सकते हो? जानवी प्रिंस से मधु की बात करवा देती है और मधु प्रिंस से बातें करते हुए उसे सब सच बताती है, जिस पर प्रिंस बोलता है, मुझे ये बात पहले से ही पता थी, मैंने तुझे इसीलिए बोला था कि शादी के बाद हमें कोई बुराई मत सुनवाइयो। और ये बता, अब तो तू घर का काम करती है ना, या कामचोर बन के वहाँ भी बैठी रहती है? बेटा अब पता चल रहा होगा तुझे, अकेले सारा काम करना पड़ता होगा ना। नहीं भैया, अब मैं घर का सारा काम खुद से करती हूँ, अब मैं सुधर गई हूँ। मुझे पता है कि आलस हमें कितना बड़ा कामचोर बना देता है। चलो अकल तो आई, देर से ही सही। जब जिम्मेदारियों का बोझ मधु के सर पर पड़ता है तो वो कामचोर ननद से एक कामकाजी बहू बन जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।